आज हम लोग मौजूद हैं मैसूर रोड ईदगाह पर। आज बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए थे नमाज ईद-उल-फ़ित्र की अदा करने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं चामराजपेट के लीडर जनाब बीके अल्ताफ खान साहब। आइए आज उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपको ईद-उल-फ़ित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज एक अहम दिन है, आज आपका जन्मदिन भी है, क्या कहना चाहेंगे? ईद-उल-फ़ित्र के दिन आपका जन्मदिन भी है, क्या कहें? सबसे पहले ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उसके साथ अल्लाह ताला ये हमारे हिंदुस्तान को, कर्नाटका को हर चीज़ से महफूज रखें। जो आज के हालात हैं वो हर आदमी अपने ख्वाबों ख्याल में रखकर अच्छे से अच्छा काम करें। और जो भी जिम्मेदार है सी एम ए के, जो हमारे मोहल्ले के जो बख्श भाई हैं, मुश्ताक भाई हैं, अफसरदा हैं, बहुत कलीम भाई, ये सभी जिम्मेदार मिलकर हर चीज़ को ताउन देने की वजह से अल्लाह ताला बहुत खूबियां से काम ले रहा है। जो कौम और मिलत का भी ले रहा है, दूसरी कौम का भी कर रहे हैं। ऐसा हर लीडर, हिंदू हो या मुसलमान, सोचकर काम करे तो एकता कायम रहेगी। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ हर धर्म वालों को और ख़ास तौर पे हमारे मुसलमान भाई को बोलना चाहता हूँ, सबको साथ में लेकर चले। सर, आज ईद-उल-फ़ित्र का मौका है, किस तरह से ईद मनाई जाए, किस तरह एक पैगाम दिया जाए मुसलमानों की तरफ से, गैर मुस्लिम को किस तरह का एक पैगाम मिलना चाहिए? ये मैं छोटी उम्र में सुन के हूँ, हर मुसलमान जब ईद करते थे हमारे बचपन में तो गैर मुस्लिम को बुला के दावत देते थे। ऐसा हम मुसलमानों में भी ये शुरू किए तो भाईचारे की कायम रहेगी, अपनापन रहेगा, प्यार मोहब्बत बाकी रहेगी। सबसे पहले हक पड़ोस का बोलते हैं, हक पड़ोस बोले हैं वहाँ जात नहीं बताएं। और दीन और इस्लाम बहुत पाक चीज़ है, इसको साथ में लेकर इसके रास्ते पर चलेंगे तो सब बुराई और गुने दूर हो जाएंगे, इतना मैं कहना चाहता हूँ। सर, ये मैसूर रोड का ईदगाह है, ये बहुत ही पुराना और कदीम ईदगाह है, बरसों से इसकी तामीर नहीं हुई थी। आपके आने से, बीजेड जमीर खान अहमद खान के आने से ईदगाह की तामीर हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में अल्लाह ताला उनको, जमीर भाई को और मुझे कबूल किया, इसका बहुत बड़ा अल्लाह से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन वालों ने बहुत लीडर्स के पास फिरे तो काम नहीं हुआ। अल्लाह सबसे काम नहीं लेता, कुछ लोगों से लेता है, बस उसमें पूरे लोग खुश रहते हैं। जैसा कि हज पूरों का कबूल नहीं होता, किसी की एक के तुफेल से होता है, ऐसा अल्लाह ताला ने सबसे सबको छोड़कर मुझे और जमीर भाई को इसलिए चुना कौम और मिलत का काम करने के लिए। और इसमें पूरे चामराजपेट हल्के के हर जिम्मेदार को जो जिम्मेदारी से उनको जिताए या मुझे जिताए, एक जैसा कर जिताए हैं। हर आदमी भी हर धर्म का काम करके जा रहे हैं, मैं और जमीर भाई। सर, पहले आप एमएलए इलेक्शन में जमीर साहब के अगेंस्ट खड़े हुए थे, अभी आप दोस्ती का हाथ मिलाए, अभी जमीर साहब जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, क्या ये चामराजपेट में माइनॉरिटीज़ का इलाका बहुत है, क्या आपकी दोस्ती से चामराजपेट के लिए कुछ फ़ायदा होगा, मुसलमानों का फ़ायदा होगा? नहीं, एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पहले बहुत पुराने दोस्त हैं 91-92 से, बीच में नाइतफाक़ी आ गई थी। अभी कुमार बंगारप्पा के घर में दो भाई भाई लड़ते हैं इलेक्शन, फिर एक जगह रहते हैं। तो जब सी एम के बेटा ऐसे करते हैं तो मैं भी वो दोस्त हैं। इलेक्शन की हालात थी, कुछ चीज़ें थे वो ख़त्म हो गए हैं। और पूरे मिलके मैं और जमीर भाई नहीं, पूरे जिम्मेदार को लेकर चामराजपेट हल्का जो है एक ताकत है हर दोनों की, साथ में जिम्मेदार को लेकर चामराजपेट हल्के के अंदर क्या क्या चाहिए और कौम और मिलत के पूरे कर्नाटक के रास्ते में जो कुछ चाहिए, इंशाल्लाह 50 चक्कर ईद गए जिसकी जगह कब्रस्तान के लिए जगह के बारे में बात की है। मैं भी जमीर अहमद खान साहब इंशाल्लाह कुमार स्वामी के पास प्रपोजल रखेंगे, ये बेंगलुरु से छोड़कर चार कोने जहाँ भी मिलते हैं वहाँ 50-50 एकड़ देना चाहिए। और उसके साथ माइनॉरिटीज के साथ बोले तो क्रिश्चियन भी आ जाएंगे। हम इंशाल्लाह इतनी उम्मीद रखिए, हिंदू धर्म के वास्ते भी मांगेंगे, हम सबको एक जैसा समझेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। सर, आइंदा दिनों में क्या नया देखने को मिलेगा? चामराजपेट क्या एक हाईटेक हल्का बनेगा या ऐसे ही रहेगा? कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में क्या क्या प्लानिंग्स हैं आप? नहीं, मेरी सोच है, आज सभी लोगों को बताना चाहता हूँ ये मीडिया की तरफ से, जो आप अस्पताल के अंदर डिलीवरी के वक्त में लेके जाके जो ऑपरेशन कर रहे हैं इसको रुकाने के लिए मैं जमीर अहमद खान साहब से भी बात किया हूँ और दूसरे जिम्मेदार से भी बात किया हूँ। जो नॉर्मल डिलीवरी है मुसलमानों की, एक अस्पताल नहीं है शहर कर्नाटक के अंदर, इसके बारे में प्रपोजल के बारे में मैं जमीर भाई डिस्कस किए हैं। आने वाले दिनों में कम से कम हमारे खून के बैको बच्ची के पेट ना काटे जाए, जो ऑपरेशन कहते हैं बच्चों के वास्ते, जो डिलीवरी कहते हैं, इसके ख्याल रखें। ये काम हो गया तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से लिया। सर, ये बेंगलोर में जितने भी कब्रिस्तान हैं पूरे कब्रिस्तानों को देखे तो एक रकम से डर होता है। अभी मैसूर रोड के जो आपके जे जे आर नगर वार्ड के जो कब्रिस्तान हैं, चाहे वो मुसलमानों का हो चाहे वो हिंदुओं का हो, जो भी कब्रिस्तान को देखें एक गार्डन जैसा लग रहा है कि जो कब्रिस्तान में ग्रेनेड लगाया जा रहा है, कब्रिस्तान में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराया जा रहा है, कब्रिस्तान में रकम रकम के पेंटिंग्स लगाए जा रहे हैं, इसका मुद्दा क्या है? सर, क्या सोच के आप ये कब्रिस्तानों में काम कर रहे हैं? नहीं, ये सबसे आखिरत की चीज़ है, इसको जो समझ गया वो हर चीज़ करेगा इंशाल्लाह, तो इतना कहना चाहता हूँ।
जिसकी समझ में नहीं आए उसको कुछ नहीं बोल सकता, जिसकी समझ में आए जो आखिरी जहाँ पर जाना है वो चीज़ की खूबी नज़र आ रही है, जो अल्लाह कबूल करे हमें आखिरत के वास्ते काम कर रहे हैं। लोग समझते हैं सियासत के वास्ते, सियासत जूती के बराबर रखा हुआ है, ये चैलेंज से बोल रहा हूँ ईद के अंदर, इतना कहता हूँ। इतनी बात कहते हुए मैं आज ईद की मुबारक की बात देकर शहर कर्नाटक को ने पूरे हल्के मुसलमान जितने भी जहाँ भी हैं सबको मुबारक की बात देकर मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान सुकून और अमन से जो है रमज़ान शरीफ मुबारक हुआ सबको अमन अमान से, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जो है आने वाले महीनों में भी हम से गुजारिश करता हूँ कि अमन अमान से सुकून के साथ हर महीना हर दिन हर साल गुजारें, एक दूसरे को मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह से दुआ करता हूँ। अल्लाह का पैगाम जाना चाहिए, ईद उल फितर कैसे मनाना, कैसे हो हमारी ईद, किस तरह से पैगाम जाए गैर कम्युनिटी को, गैर मुस्लिम। अब रमज़ान के हर बार तो बताते हैं, खुसूसन रमज़ान में ज़्यादातर बताते हैं कि इबादत करो, ऐसा रोज़े रखो, ज़कात दो, खैर ज़रूर करना चाहिए भाई, भाईचारा कायम करना है तो सबको लेके चलना है। अभी हमारी ईद है, ईद में आख पड़ोस में जो गैर मुस्लिम है उन लोगों को बुलाया जाए, दावा दी जाए, उनको भी अपना इस्लाम का पैगाम बताया जाए, ये सब ज़रूर रहता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? कौम का फ़ायदा होता है, इस्लाम का फ़ायदा होता है, गैर मुस्लिमों में भी, गैर मुस्लिमों में भी जो ईमान जागता है उससे तो कौम का ही फ़ायदा है, और आपस में जो है एक दूसरे को मिलजुल के ज़िंदगी करने से बहुत फ़ायदा रहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपका नाम? मेरा नाम इरफान अहमद सवार है। मैं जनाब अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़दीर अहमद शाह दाउल आमिरी रहमतुल्लाह अलैह का साहिबज़ादा हूँ। मैं तमाम ईद के मौके पर तमाम अहले मुसलमान को ईद की मुबारकबादी दिलो जान से ईद की मुबारकबादी देता हूँ, और जो रमज़ानुल मुबारक महीना हमारे ज़िंदगियों में आया है, ये बारहा हमारे ज़िंदगियों में आए इस बात की मैं दुआ करता हूँ, और तमाम अहले मुसलमानों को मिलकर इत्तेहाद से ज़िंदगी बसर करने की मैं गुजारिश करता हूँ, और इंशाअल्लाह जो है इस रमज़ानुल मुबारक महीने में जो भी हमने इबादतें की हैं वो मुसलसल जारी रखने की कोशिश करें, ये मुसलमानों को मैं पैगाम देता हूँ। अवामुल नास के लिए क्या पैगाम है, किस तरह से ईद मनाया जाए, किस तरह से ईद उल फितर मनाया जाए, किस तरह से एक पैगाम जाए गैर मुस्लिमों? गैर मुस्लिमों को ये पैगाम पहुँचे कि हमारा जो कौम की जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, किस तरह हम आगे चल कर जो है ना और भी कौम के लिए पैगाम हमारी एक जो है ना कौम के लिए एक पैगाम पहुंचे, बस उतना ही। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में बहुत सारा डेवलपमेंट का काम करेंगे, मुसलमानों का नहीं बल्कि गैर कौम के लिए भी काम करेंगे। देखना है आने वाले दिनों में ये अपनी बात पर कितने खड़े उतरेंगे। कैमरामैन पर्सन इरफान के साथ नमाज पशा, न्यूज़ फॉर बैंगलोर।